नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मां के बारे में। दिन रात मां की माला जपने और मां की पूजा करने का दावा करने वाले इस देश में एक मां ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली 33 साल की बी रम्या, जो चेन्नई में IT प्रोफेशनल थी, उस मां ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि एक दिन अचानक ढेर सारे नैतिकता के ठेकेदार मिलकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में उस मां को ट्रोल करने लगे, उसे क्रूर, नकारा और लापरवाह कहने लगे। कहने लगे कि वो मां के नाम पर कलंक है, और लोग ऐसा इसलिए कहने लगे क्योंकि एक दिन अपने घर की बालकनी में बच्ची मां की गोद से फिसल कर गिर गई और शेड में अटक गई। लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और बच्ची को बचा लिया। बच्ची तो बच गई, लेकिन मां नहीं बच पाई। एक महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि लोगों की तानों, अपशब्दों और अपमान के कारण वह डिप्रेशन में चली गई थी। अब बजाइए ताली, उठाइए तानपुरा और मां की महानता का एक और राग गाना शुरू कर दीजिए। दुनिया का कोई कोर्ट, कोई न्यायालय उस महिला की आत्महत्या का दोष आपके सिर नहीं मढ़ेगा। इस समाज के, परिवार के और सोशल मीडिया के उन ट्रोलर्स के सिर जो उस मां को दिन रात गालियों और अपशब्दों से नवाज रहे थे। किसी न्यायालय में यह साबित नहीं हो पाएगा कि आप सब सामूहिक रूप से एक मां के हत्यारे हैं, इसलिए आप फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप अपना महानता का राग चालू रख सकते हैं। आपको शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी थोड़े ईमान की जरूरत पड़ती है। थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना पड़ता है। कुछ सवाल खुद से भी पूछने पड़ते हैं। आंखों का थोड़ा पानी, थोड़ी हया, थोड़ी शर्म बची रहनी जरूरी है। शर्मिंदगी महसूस करने के लिए आपकी आंखों का पानी सूख चुका है। औरतों के मामले में और खास तौर पर मां की महानता के मामले में आपकी मक्कारी का आलम यह है कि खुद मक्कारी भी शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती जब आप मां को महानता का दर्जा देते हैं लेकिन औरत को मनुष्य होने तक की इजाजत नहीं देते हैं। औरत को इंसान समझना तो छोड़ो, इंसान होने की मामूली सी इज्जत भी नहीं देते हैं। मां बाप पहले तो लड़की को मूर्ख, डरपोक और दब्बू बनाकर पालते हैं, उसे सिर्फ डराना सिखाते हैं, अपनी इज्जत करना नहीं सिखाते। फिर अपने जाति धर्म में कोई लड़का खोजकर उसे एक खूंटे से छुड़ाकर दूसरे खूंटे में बांध देते हैं। आदमी सेक्स करता है और औरत मां बन जाती है। मां बनते ही वो न औरत रहती है न इंसान। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज और नैतिकता के सारे ठेकेदार उसे हर क्षण याद दिलाते हैं कि अब उसके जीवन का एक ही मकसद है, अपने बच्चों को पालना। उसका अपना कुछ नहीं है, न इच्छाएं, न शौक, न वक्त, न सुख, न दुख, न पसंद, नापसंद, कुछ भी नहीं। जो है सब बच्चे के लिए है। कहने को तो तुम मां हो, तुम महान हो। हां, सही भी है। मुझे यहां अलग अंडरलाइन करके आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस महान देश की ये सारी महान माएं सबसे प्रताड़ित, सबसे वंचित, सबसे कुपोषित, सबसे ज्यादा एनीमिक और सबसे ज्यादा लात खाई, सताई, दुत्कारी गई है। लेकिन मुझे माफ करिएगा, उससे क्या होता है, मां तो महान है। मां इतनी महान है कि हर साल इस देश के लोग लाखों से ज्यादा भविष्य की माओं को उनकी मां के पेट में ही मार देते हैं। उन बच्चियों का जो पैदा होने से पहले मां के पेट में ही मौत के घाट उतारी जा रही हैं। मजाल है जो भविष्य के पिताओं को आप हाथ भी लगाएं। मुंह में राम, बगल में छुरी का पाठ तो कोई आपसे सीखे। पूजा भी करेंगे और हत्या भी, दोनों साथ साथ। मां महान तो है, लेकिन मां महान कब होगी, जब मां पुत्र पैदा कर दे। लड़की पैदा करने पर कितनी दुर्गति होती है मां की और उस लड़की की जो भविष्य की मां है। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने महान हैं, आपसे क्या छिपा है भला। मां पूरी जिंदगी खुद जीना छोड़कर अपने खून पसीने से
बच्चे को पालती है और बच्चा अगर काबिल निकलता है तो बाप छाती फुलाकर इतराता है कि बेटा किसका है, और गलती करता है तो ठीकरा मां के सिर फोड़ा जाता है, क्या संस्कार दिए हैं तुमने। बच्चे की किसी सफलता क्रेडिट मां को नहीं मिलता है, लेकिन उसकी सारी असफलताओं का दोष मां के ही सिर मढ़ा जाता है। आपने कभी देखा या सुना कि इस समाज ने कभी मर्द को इस बात के लिए ट्रोल किया हो कि वो बुरा बाप है, और इस ट्रोलिंग से घबरा कर मर्द ने आत्महत्या कर ली हो? कभी नहीं। आप सिर्फ औरतों को ट्रोल करते हैं, औरतों को गाली देते हैं, औरतों के MMS बनाते हैं, औरतों के पूर्ण वीडियो बनाकर WhatsApp पर फॉरवर्ड करते हैं, औरतों के कपड़े उतरवाते हैं, औरतों को अपमानित करते हैं। मर्द से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आपके निशाने पर हर वक्त सिर्फ औरत है। इस देश में मर्द होने का मतलब है सात कुन माव, और औरत होने का मतलब है कि न जीते हुए चैन न मरकर चैन। तभी तो ट्रोलर्स ने मरने के बाद भी रम्या की जान नहीं बख्शी, कहने लगे कि एक मां होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है कि दूध पीती बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कैसे कर सकती है। तो औरत न चैन से जिंदा रह सकती है न मर सकती है। हमारा ऐसा समाज है, ऐसे लोग हैं जो मां की सिर्फ पूजा करते हैं, मां की मदद नहीं करते हैं, उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हैं। मां को मैटरनिटी लीव देने में हम मियादी बुखार से जकड़ लेता है, नवजात को घर छोड़कर आई मां की छाती से रिस रहा दूध उसके कुर्ते पर लगा दिख जाए तो मर्दों की लार टपकने लगती है। मजाल है जो हम इस बात को स्वीकार भी करें कि 9 महीने अपने पेट में एक नए इंसान को धारण कर रही, पैदा कर रही औरत को ख्याल की, प्यार की, सेवा की, मदद की जरूरत है। मां तो महान है, उसके तो 4 हाथ, एक से बच्चा पालेगी, दूसरे से घर संभालेगी, तीसरे से दफ्तर के काम करेगी, चौथे से पति की सेवा करेगी। उसकी सेवा कोई नहीं करेगा। मैं अगर 10,000 शब्द अभी और भी लिख करके बोलूं जो इस देश की समाज की मर्दों की मक्कारियों का सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज होगा, लेकिन एक ही बात दोहराते रहने का कोई फायदा नहीं है। बस मां की महानता की ये आखिरी कहानी सुन लीजिए, और ये सब करने के बाद आप मां की महानता और मां की पूजा का ढोंग करते हुए एक लंबा आलाप लेते रहिए। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ जाए तो कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।